कोरोना की महामारी के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या खड़ी है। नौजवानों के रोजगार पूरी तरीके से खत्म हुए हैं। व्यापारी इस कोरोना की महामारी में बर्बाद हुआ है, अभी भी वो संघर्ष कर रहा है। छोटे बड़े सारे व्यापार इस कोरोना की महामारी से प्रभावित हुए। गांव गांव में लोगों की मौतें हुई। यही शहर से लगा हुआ इमलिया गांव आपने देखा होगा, एक परिवार से 8 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर के एक गांव में 100 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर के एक गांव में 93 लोगों की मौत हो गई। और ये कहानी सिर्फ एक जिले एक गांव तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में ये कहानी आपको मिलेगी। हमने देखा कि मरने के बाद लोगों को लकड़ी नसीब नहीं हुई दाह संस्कार के लिए, जिंदा थे तो ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई, जांच नसीब नहीं हुई, वेंटिलेटर नसीब नहीं हुआ, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर नसीब नहीं हुआ, उस पर बेईमानी और भ्रष्टाचार जरूर हुआ। तीसरी लहर का खतरा पूरी दुनिया आपको बता रही है। दिल्ली की सरकार ने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तीसरी लहर की तैयारी भी अपनी शुरू कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है? जब चिंता करनी चाहिए थी कि अनाथ बच्चों को कैसे पालन पोषण किया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि छोटे बड़े व्यापारियों का जीवन कैसे पटरी पर लाया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि उत्तर प्रदेश में इस कोरोना की महामारी के बाद जो तीसरी लहर आ रही है उसकी तैयारी कैसे करनी है, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपस की लड़ाइयों में व्यस्त है, खींचातानी में व्यस्त है। किसकी पार्टी मजबूत है, किसकी पार्टी कमजोर है, आपस में लड़ने भिड़ने, विधायकों की तोड़फोड़, मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, कौन मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा, इसकी पूरी लड़ाई चल रही है भाजपा में। और संजय सिंह कहते थे तो मुकदमा हो जाता था, 14-14 मुकदमे करा दिए आदित्यनाथ जी मेरे ऊपर, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, बीएल संतोष और उनके तमाम पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश आके बाबा जी के कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने भी ये माना कि उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई है। सिटकिनी बंद करके, दरवाजा बंद करके एक एक मंत्री से पूछा गया, आदित्यनाथ का काम कैसा है, योगी सरकार का काम कैसा है, एक एक विधायक से पूछा गया, एक एक पदाधिकारी से पूछा गया। इसका मतलब जो बात मैं पिछले काफी लंबे समय से कह रहा हूं कि आदित्यनाथ जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, आज वो बात भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी मान रहा है और इसी के कारण उनके कार्यों की समीक्षा हो रही है। बीएल संतोष जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मंत्री हैं, पूरे देश में कहीं भी समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश जहां की हालत बद से बदतर पहुंचा दी आदित्यनाथ जी, उसकी समीक्षा हो रही है। अब तो मैं कहना चाहता हूं, जब मंत्री आपके खिलाफ हैं आदित्यनाथ जी, विधायक आपके खिलाफ हैं, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का आपके कार्यों की समीक्षा कर रहा है वो आपके खिलाफ है, तो जब पूरी की पूरी बीजेपी आपके खिलाफ है, उत्तर प्रदेश की जनता आपके खिलाफ है, कोरोना की महामारी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, तो अगर जरा सी भी नैतिकता आपके अंदर है तो आप अभी पद छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से, उत्तर प्रदेश पे रहम कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।